हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कैसे एक ईमेल आईडी बनाया जाता है क्योंकि ईमेल आईडी हर जगह यूज होता है चाहे मोबाइल फ़ोन हो या कोई फॉर्म भरना हो लेकिन वो अपने मोबाइल में खुद से ईमेल आईडी नहीं बना पाते हैं वो किसी दूसरे से बनावाते हैं लेकिन सभी के पास मोबाइल होता है लेकिन खुद का ईमेल मेल नहीं बना पाते हैं तो मैं इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि खुद के मोबाइल में आप अपना ईमेल आईडी या किसी और का ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं ईमेल आईडी बनाना बहुत ही आसान होता है केवल दो या तीन के तीन मिनट के अंदर आप खुद का ईमेल आईडी बना सकते हैं तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद का ही आई डी या किसी और का ई एल अपने मोबाइल में ही बना सकते तो मैं आपको ई एल आई डी बना बनाने बताऊँगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर मैं मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलूंगा इसके बाद आपको इस स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन के किस तरह से आप एक ईम एल बना सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ तो आपको सबसे पहले अपने जी अकाउंट में जाना है आप चाहे तो प्ले प्ले स्टोर या यूट्यूब से भी वहाँ ई मेल बनाने के लिए जा सकते हैं तो मैं आपको जी अकाउंट से को ओपन करता हूँ जी अकाउंट ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर देखेंगे लोगो दिखाई देगा अगर ई मेल पहले से यूज किए होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा नहीं तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ई मेल ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बहुत सारे ईमेल एल आई यूज करता हूँ तो इससे आपको दिखाई देगा ईमेल मेल आई तो मैं आपको नीचे एड एंडल अकाउंट इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो ऊपर दिखाई दे रहा है गूगल इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड डाल देना है जो मोबाइल का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है इसके बाद आपको जी अकाउंट डालने के लिए आ जाएगा देखिए आगे गया है तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन इन और ई मेल ऑया फोन नीचे आना है और आपको नीचे देख, देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने करना फोर माई सेल्फ पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट जी मेला एक, एक, एक जी मेल बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा तो ओपन होने देते हैं देखिए तो आप किसके बाद आपको फर्स्ट नाम बोल रहा है तो इसका आपको फर्स्ट नाम डाल देना है तो मैं डाल देता हूँ और नीचे आपको लास्ट नेम लास्ट नेम में भी आपको डाल देना है और इसके बाद आपको नीचे आना है और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ जन्म तिथि आपका मांगेगा तो आगे यहाँ से अपना जन्म तिथि और जेंडर सेलेक्ट कर लेना तो मैं अपना डाल लेता हूँ जेंडर और जन्म तिथि डाल देना इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपको नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक के बाद आपको क्रिएटिव ऑन जी मेल एड्रेस तो इस पर तीसरा नंबर पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक नाम डालना है जो आप यूजर नेम कह सकते हैं जो आप अपना यहाँ पे डालना है तो यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो पहले से ई मेल जो यूजर नेम नहीं बनाया हो तो आपको यहाँ से डाल देना है तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ पहले से मेरा है या नहीं तो फ्रेंड्स मैं डाल दिया हूँ इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है रेड कलर में दिस यूजर नेम इज़ टेकन ट्राई ए नोदर मतलब इसका मतलब कि आपको दूसरा और नाम डालना है यानी कि मतलब इस नाम से जी मेल बन चुका है पहले से तो आपको यहाँ नंबर भी अपना कुछ डाल सकते हैं या कुछ और चेंज करके देखेंगे कि आपको ये अपना ज़िम्मेदारी लेता है या नहीं होता है तो मैं दूसरा कोई और डाल के देखता हूँ तो देखिए मैं अदर कोई यूजर नेम डाल दिया हूँ अपना नाम हटा कर कुछ और डाल दिया हूँ इसके बाद देखते हैं इस इस नाम से पहले बना है या जिम्मेदारी या नहीं तो इसके बाद नेक्स्ट करना है नीचे नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये पहले से बन चुका है अगर आपका नाम नहीं ले रहा है तो आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं जो नाम से आप नाम डाले होंगे उस नाम से आपको खुद से गूगल आपको ई मेल आई डी बनाकर दे देगा आप चाहें तो इस दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं हैं चाहे अपना अपना खुद से बना सकते हैं अगर ई मेल आपका नहीं बना है तो आपको ऊपर से गूगल खुद देगा उसे आप सेलेक्ट कर कर बना सकते हैं तो मैं अपना यूजर आई डाल लिया हूँ चाहे तो आप अपना जो गूगल का यूजर आई दिया है उससे आप ई मेल बना सकते हैं तो मैं यूजर आई डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेंगे तो आपको पासवर्ड में मोबाइल नंबर हो या चाहे कुछ भी आप डाल सकते हैं पासवर्ड डाल के और दोबारा पासवर्ड डालना है तो चलिए मैं आपको पासवर्ड डाल देता हूँ इसके बाद दिखाता हूँ किस तरह से आगे जिम्मेदारी बनता है तो फ्रेंड्स मैंने पासवर्ड डाल लिया हूँ और इसके बाद आपको नीचे उसी पासवर्ड को फिर पुनः डाल देना है तो मैंने दोनों पासवर्ड डाल दिया हूँ जिमे अकाउंट जिमेल अकाउंट का बना सकते हैं चाहे तो आप मोबाइल नंबर या कुछ कुछ भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं तो मैंने पासवर्ड डाल लिया हूँ इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इसके बाद एस आई एम इन इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं आपका नीचे अब इसके बाद नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह से आई एग्री करना है इसके बाद और आई एग्री करने के बाद आपका जी अकाउंट बन चुका है आप लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल में इस जी मेल को अकाउंट को आप जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको ई मेल बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा करिएगा मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा और और कुछ भी सवाल हो आपका तो आप नीचे कमेंट करके पूछेगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ